तरफ वजन समाचार। अभी मेरी मौजूदगी भारतीय जीवन बीमा शाखा फुर्जगढ़ा के निचले तल पे है। ये सभी भारतीय जीवन बीमा के एजेंट हैं। विगत जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, इन्हीं से जानकारी लेंगे। ये अपने वर्ग को कहा जाए कि एक तरह से थाम दिए हैं, सांस को रोक लिए हैं। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि ये अपने काम को बंद किए हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया के LIC एजेंट, कुछ तो कुछ मांग होगी, उन मांगों के विषय में जानते हैं कि आखिर कितने दिनों से ये अपने काम को बंद किए हुए हैं और कौन सी मांग पूरी होगी तो ये काम पे वापस आएंगे। काम बंद करने का अनेकों वजह है, मुख्य रूप से है क्या कि सर 1 अक्टूबर से हम लोगों की पारिश्रमिक में कटौती की गई। पारिश्रमिक में कटौती, फ्लो बैक का सिस्टम लाया गया। उसके बाद प्रीमियम में वृद्धि की गई। 1 लाख की पॉलिसी हम आम आदमी को कर लेते थे, आसानी से कर लेते थे, वो आज के डेट में हम सारे अभिकर्ताओं से नहीं हो पा रही है। हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। आपका कहना ये हो रहा है कि अब 1 लाख की पॉलिसी नहीं होगी, 1.5 लाख की भी नहीं होगी, अब कम से कम 2 लाख में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। 1 लाख की अब पॉलिसी नहीं होगी, अब मिनिमम 2 लाख की पॉलिसी। तो प्रीमियम तो बढ़ना है। हाँ, प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और जब मजदूर तबके के लोग जो होंगे वो 2 लाख की पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, जिसका प्रीमियम लगभग 14 से 15 हजार रुपया जाएगा, वो कैसे बीमा ले पाएंगे। तो यही सब हम लोग पहली मांग आपका हुआ, पॉलिसी जो है अब 1 लाख का बंद हो चुका है, 2 लाख का होगा, पॉलिसी उठाने में आपको परेशानी हो रही है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा वजह यह है कि हम लोगों की पारिश्रमिक में कटौती की, जो 1956 से हम लोगों को जो पारिश्रमिक मिल रहा था, मान लीजिए LIC की ओर से जो मिल रही थी मजदूरी, उसमें हम लोगों की कटौती 1956 से जितने भी हम लोग का मैनेजमेंट। यार आपका कहना हुआ कि 1956 से जो कमीशन दर लागू है उसमें अब वृद्धि ना करके, बिल्कुल कहना है वृद्धि ना करके हम लोगों के पारिश्रमिक में कटौती की। और कोई मांग है? और बस वही, जो 2 लाख की पॉलिसी है उसको 1 लाख करे, क्लो बैक वापस ले। क्लो बैक क्या है? क्लो बैक है कि आप जैसे आपका मैंने पॉलिसी किया, आपका इच्छा अनुकूल आपकी पॉलिसी चल रही, 2 साल चलने के बाद आपने सिलेंडर कर लिया। दो साल में अब सिस्टम आ गया है कि 2 साल में अब सिलेंडर शुरू हो गया। तो 2 साल में जो आप सिलेंडर करेंगे तो उसमें जो कमीशन दिया गया है, उसमें जो एजेंट का जो कमीशन दिया गया है, वो कमीशन वापस ले लें, एजेंटों से रिकवर किया जाए। ये कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सब सिस्टम है जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकालीन ये शांतिपूर्ण आए। हमने उतना जो पढ़ाए लिखा है, तो पढ़ा लिखा कर किसी तरह से बीमा लाए, उनका एवज में हमसे ही दंड वसूला जाएगा, है ना। गरीब को बीमा अब देना नहीं चाहता, वो अमीर को ही अमीर बनाना चाहता, क्योंकि 2 लाख का पॉलिसी आम आदमी को हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम उस समय 5-6 हजार का पॉलिसी लाते थे, 1 लाख का बीमा देते, अभी 12-13 हजार रुपया भी लोग आमदनी करता है, 4,000-4,500 रुपया कमाता है, वो कहाँ से 12-13 हजार रुपया हमको 2 लाख का बीमा दे सकता है। जब नहीं देगा तो गरीब का गरीब रहा जाएगा, रिक्शा चला के ठेला चला के। मुख्य मांगों को लेकर के आप अनिश्चितकालीन अपना काम रोके हुए? बिल्कुल, और काम रोके जब तक रहेंगे जब तक की हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इंश्योरेंस दे रहे हैं आपको, जो है मैच्योरिटी नहीं देते, इंश्योरेंस देते कल आपके बच्चे जो भविष्य देते, ये सब कह करके हम पॉलिसी को लाते, फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे ही पैसे से लोग ऐश करते हैं, उनको 2-2 लाख 3-3 लाख तक के मिलते हैं, और हम लोग को क्या है, पारिश्रमिक जो धूप में गर्मी में पानी में डूबते हैं मरते हैं, और उसके बदले में हमारे को काटा जाता है, कमीशन को कम किया जाता है, ज़्यादा करने के बजाय कम किया जाता है। 1956 से जो कमीशन था उसमें भी 7% की कटौती, ये कहाँ तक अन्याय है, अन्याय। इन्हीं सब बातों को लेकर के आप, और दूसरा अभी एक चीज और पता चला है कि जो आप प्रीमियम देते हैं ना, तो रसीद जो निकलता है उसपे भी आया था कि जो आपका जो कमीशन होता है
वो ग्राहकों को दिखे। जी ग्राहकों दिखे, उनकी मांग तो है कि हमको मैच्योरिटी दिखे, बोर्ड पर लिख दीजिए कि हमको मैच्योरिटी कितना दे रहे हैं। बहुत जगह तो ये कहता है क्यों कराया आपके पास, आप हमारी मैच्योरिटी को दिखाइए कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं। नहीं होता लेकिन किसी तरह से हम कहते हैं भाई हम इंश्योरेंस देते हैं, आपके बच्चे को सुरक्षा देते हैं, आपका जीवन बीमा है, किसी तरह से हम आपको सुरक्षा दे करके उसको बीमा को लाते हैं, लेकिन हम वहाँ भी फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमारे बोनस में भी वृद्धि नहीं की गई। अगर बोनस में भी वृद्धि करता करके हमने नहीं कमाया लेकिन हमने जनता को दिया, हमने अभिकर्ता होकर के हमने उसकी भला की। 14 लाख अभिकर्ता बंधु पूरे देश के लेबर डिपार्टमेंट को इंश्योरेंस दिलाने का काम करते थे 14 लाख अभिकर्ता। और बड़े बड़े लोग तो बैंक से भी इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन छोटे लोग के लिए 14 लाख अभिकर्ता हीरो है। और इसी हीरो के भारतीय जीवन बीमा निगम हीरो बनाने की काम कर रही है। जब तक हम काम को रोके रहेंगे, जब तक हमारे 14,000 अभिकर्ता बंधु का मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक LIC में एक भी पॉलिसी नहीं, ये मेरा दावा है। तो आप सुन रहे थे और सच्चाई बताते हैं कि जोड़ लें कि 1952 48 वर्ष उधर और 24 वर्ष इधर, इतने दिनों में कहा जाए कि एक पेड़ भी बूढ़ा होने के कगार पे आता है, नया सृजन होता है। और इन लोगों का कहा जाए कि मेहनत ताना की बढ़ोतरी ना हो करके हो गया है कटौतरी। बने रहे मेरे समाचार के साथ, नमस्कार। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ।